की वीडियो में बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे होंगे। जीरो से स्टार्ट करनी है, इलेवेंथ पूरी बर्बाद कर रखी है। कैसे पढ़नी चाहिए फिजिक्स फ्रॉम जीरो, वैभव गोलानी, AIR 59 NEET 2023। सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज के वीडियो में मेरे साथ है वैभव गोलानी। AIR 59 NEET 2023 में 710 नंबर के साथ आई थी इसकी, और आज के वीडियो में बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे होंगे। जिस भी बच्चे को फिजिक्स जीरो से स्टार्ट करनी है, वहां से लेके इसके मार्क्स आए थे 180, और इसने अपनी 11th पूरी बर्बाद कर रखी थी। इसने अपने वीडियोज में भी बता रखा है, काफी फेमस है यूट्यूब पे, जानते भी हो गए आप। सो Over to Vaibhav, कैसे पढ़नी चाहिए physics from zero? So, देखो, तुम्हारे पास अभी ना टाइम है 200 दिन, ठीक है? 5 मई तक 200 दिन के आसपास के दिन है, लेकिन पूरे 200 दिन तुम अपना सिलेबस पढ़ने में तो नहीं दे सकते। अप्रोक्सीमेटली मोटा माटी लेके चलते हैं 130 दिन है तुम्हारे पास, जिसमें तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आगे तुम रिवाइज करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे, तो उसका टाइम लगेगा। अब सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या 180 आउट ऑफ 180 अभी स्कोर किया जा सकता है? डेफिनेटली स्कोर किया जा सकता है, बट एक शर्त पे कि तुम अपना 100% दोगे। अगर तुम 100% नहीं दे सकते तो 180 कभी नहीं स्कोर कर पाओगे। बाकी तुम्हें रोज के 3 से 4 घंटे रखनी है अपनी स्टडी। 3 से 4 घंटे अगर तुम नहीं दे पाओगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना। सो फर्स्ट थिंग है, पहले डिसाइड करो कि तुम अभी हो कहाँ, जाना कहाँ है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम अभी जीरो पे हो, तो तुम 180 तक जाओगे कैसे? पहले सोचो कि तुम्हें कितना आता है, कि बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हैं, या तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो। और फिर डिसाइड करो तुम्हें चाहिए कितने, 160, 170, 180 कितने चाहिए, पहले उसको डिसाइड करो, लिखो कहीं पे। जब लिखोगे नहीं तो तब तक तुम्हें मिलेगा भी नहीं। दूसरी चीज तुम्हें खुद से पूछना है कि यार इतनी लेट हुई क्यों? कि अगर तुम इतना लेट शुरू कर रहे हो, तुम अभी ऑलमोस्ट 6-7 महीने अब तुम शुरू कर रहे हो, तो कुछ तो गलती हुई है। वो गलती क्या है, उसको तो सुधारना होगा ना। कि अगर तुम वही चीज नहीं तो करते रह जाओगे कि 5 बजे उठूंगा, कल से उठूंगा, बट तुम कभी उठते ही नहीं। वो चीज नहीं करनी, अपनी गलती डिसाइड करो क्या थी, गलती को सुधारो। अब कितना दिन तुम एक चैप्टर को दे सकते हो, तो उसके लिए पूरी ये लिस्ट है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक आइडियली क्या टाइम होना चाहिए वो रखा गया है, तुम 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हो। बाकी 6-7 दिन मैंने एक बफर दिए हुए हैं, जिससे कि ये तुमने कंसिडर किया, विच इज अ वेरी गुड कंसिडरेशन, कि भाई ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, वी आर बाउंड टू डू प्रोकेस्टिनेशन, और इसलिए उसके लिए हमें प्लान ऑलरेडी से करना चाहिए। एंड इसलिए मैं एक चीज हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ये मेरा एक सजेशन रहता है कि आप 8-8 डेज के स्लॉट में पढ़ो, जहां पर 6 दिन पे आपने अपना टारगेट किया, 7वें दिन जो भी आपने 6 दिन पढ़ा उसे रिवाइज किया, और 8वें दिन जो भी 6 दिन में नहीं पढ़ पाए अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, उसके लिए छोड़ दिया है, जिसको कि आप उस वक्त कर सकते हो। वी हैव टू प्लान फॉर आर इम्परफेक्शंस, ठीक है? इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओवर टू वैभव। सो किसी एक चैप्टर के लिए तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सबसे पहले ना टीचर के नोट्स को सबसे पहली प्रायोरिटी दो। ये बायो की तरह तुम इसको नहीं कर सकते, पहले तुम्हें कंसेप्ट सीखने ही पड़ेंगे, जो कि तुम्हें टीचर ही सिखाएगा। ऐसे टीचर से पढ़ो जो कि तुम्हें थ्योरी भी पढ़ाए और साथ में न्यूमेरिकल्स भी कराए। क्योंकि देखो, टीचर को पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं, वो जानता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे बच्चे को कराने चाहिए, और अगर उसके क्वेश्चंस को तुम मास्टरी कर लोगे, जो वो थ्योरी पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लोगे, तो तुम्हारे 80% क्वेश्चंस तो तुम्हारे नोट्स से ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना है। तुमने कंसेप्ट बना लिए, तुम्हें फॉर्मूला आ गया, अब उसको अप्लाई भी तो करना है। एग्जाम्पल सॉल्व करो, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी अपडेटेड सिलेबस है उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQs लगाओ, ताकि जितनी प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए, जितनी नीडेड है, उतनी तुम करके ही जाओ, ठीक है? उसके बाद अब ऐसा तो होगा नहीं कि तुम सारे के सारे क्वेश्चन सही कर लोगे, डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां करोगे तुम। ऐसे में उसको टिक करो, जो भी अपनी गलतियां हैं सबको टिक करके रख लो। उसका क्या करना है वो बाद में बताता हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला लिस्ट तैयार करो कि तुम्हें क्या फॉर्मूला है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या कंसेप्ट ऐसे हैं जो तुम बार बार भूल जाते हो, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कंसेप्ट्स हैं, वो कंसेप्ट्स लिखो अपने उन शॉर्ट नोट्स में और टेस्ट दो। ऐसा नहीं करना कि अभी पहले सिलेबस कर लेते हैं
लास्ट में टेस्ट दे देंगे, फिर तुम लास्ट तक तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, सब कुछ ही रह जाएगा। इसलिए टेस्ट देते चलो धीरे धीरे, हफ्ते में दो हफ्ते में एक टेस्ट जरूर दो, जो भी तुम्हारा कंसेप्ट, जो भी तुम्हारे टॉपिक्स पूरे हुए हैं उनके। लास्ट थिंग इज, जो तुमने टेस्ट में मिस्टेक्स की, जो तुमने पहले वो क्वेश्चंस में मिस्टेक की थी, जो तुमने PYQs गलत किए थे, जो तुमने एग्जांपल्स गलत किए थे, उनको फिर से सॉल्व करो और बार बार सॉल्व करो, बार बार अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, ताकि वो जो फॉर्मूलाज हैं वो तुम लास्ट तक याद रखो। ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या वन शॉट लेक्चर्स यूज किए जा सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, बट अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो जैसे 10 घंटे का लेक्चर है उसको एक बारी में देखने की कोशिश मत करो, उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 10 घंटे की एक वन शॉट लेक्चर है यूट्यूब या चाहे किसी से भी तुम पढ़ रहे हो, उसको तुम 5 दिन में डिवाइड कर दो, 2-2 घंटे के लेक्चर में, और उस 2-2 घंटे में पढ़ो। उससे तुम्हें कंसेप्ट याद रहेंगे लंबे टाइम तक, और एक ही बारी में आके तुम उसको वापस से भूल नहीं जाओगे। बहुत बड़ा सवाल रहता है, फिजिक्स की NCERT पढ़नी है या नहीं? तो देखो, अगर तुम इससे 3 या 4 साल पहले मुझसे पूछते तो मैं डेफिनेटली मना करता कि फिजिक्स की NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आज के टाइम पे फिजिक्स की NCERT उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो गई है जितनी तुम्हारे लिए केमिस्ट्री या बायो के लिए है, बिकॉज उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली। बट क्या तुम अब NCERT लाइन टू लाइन पढ़ोगे बायो की तरह, केमिस्ट्री की तरह? नहीं, वो अब इतना तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है कि तुम पूरी पूरी NCERT लाइन टू लाइन पढ़ पाओ। अब कब पढ़नी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और क्या पढ़ना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कब पढ़नी है वो तुम्हें लास्ट के जो 2 महीने, जो 130 दिन हो गए, उसके बाद जो 70 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने लेते हैं, उन 2 महीने में तुम्हें पढ़नी है। क्या पढ़ना है तो वो देखो, सबसे पहली चीज एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स तो तुम जो चैप्टर्स के साथ ही कर चुके हो, बचते हैं तुम्हारे NCERT के MCQ, जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो करने हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने हैं, समरी करनी है। जो ये पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी है, इससे एम्स में AR क्वेश्चंस आते थे, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, AR क्वेश्चंस बहुत बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनसे क्वेश्चंस आएंगे। AR क्वेश्चंस मतलब assertion reason questions, क्योंकि बच्चे पूछते हैं चीज। अब उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे पास सफिशियंट टाइम है, मैं और भी पढ़ सकता हूँ, तो तुम जो बैक एक्सरसाइज है उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो। एडिशनल क्वेश्चंस मत करना, वो लगभग JEE एडवांस के लेवल के बनाए हुए हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एग्जांपल से डायरेक्ट PYQs आए हुए हैं नीट 2023 में, जस्ट जो एग्जांपल 10.4 का ए और बी स्टेटमेंट था, सेम के सेम स्टेटमेंट्स उठा के दिए गए हैं उसमें, तुम ये देख सकते हो। डेफिनेटली मतलब दैट इज़ व्हाट आई से कि भाई NCERT ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की नहीं पढ़नी है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अभी जो एग्जाम्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, इवन सेक्शन बी में भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT की लाइंस, NCERT की जो टेबल्स, इवन फिजिक्स में वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। एंड अनदर बेनिफिट जो तुम्हें देता है, अगर तुमने किया हुआ है ना NCERT का क्वेश्चन या फिर वो टेबल पढ़ी हुई है, अगर कोई रिमेंबरिंग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, assertion reason है, स्टेटमेंट बेस्ड, फटाक से होता है। फिजिक्स में जो तुम्हारा 1.5 मिनट लगने वाला था, 2 मिनट, उसकी जगह 30 सेकंड या 20 सेकंड में तुम्हारा हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस के लिए तुम टाइम बचा लेते हो। दूसरी चीज़, अगर कोई एग्जांपल है जो तुमने किया हुआ है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये तो किया हुआ है, किया है, जब तुम आंसर तक पहुंचते हो तो तुम उसे अपने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बबल कर पाते हो, दैट इज द सेकंड थिंग। डेफिनेटली सर, बाकी ये भी देख सकते हो नीट 2023 में क्वेश्चन जस्ट सेम, बिल्कुल वैल्यू भी चेंज नहीं की गई है, सेम का सेम क्वेश्चन दे दिया गया है, और आंसर भी देख लो वही है, सेम ही है, सेम चीज मैं आपको बता रहा था। ये एक और एक एग्जांपल था नीट 2022 में, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, सेम जो नीट 2022 में एक और एग्जांपल था, जस्ट उसको दे दिया गया है, और एक्सरसाइज में जो जैसा मैं कह रहा था सर, ये वो क्वेश्चन था जिसने मतलब 2022 में के पेपर के बाद मुझे हिला दिया था। मैं बहुत मतलब डिप्रेशन में आ गया था कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, काफी चीजें मुझे आती हैं, तो भी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। फिर जब मैंने NCERT पढ़ी तब मुझे समझ आया कि हाँ, ये जस्ट सेम जो ये असर्शन था, ये सेम का सेम NCERT के जो बैक एक्सरसाइज है उसमें से जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट NCERT इज माय डियर फ्रेंड्स। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुमको NCERT के बीच में से भी पढ़ने हैं, तो उसके तुम स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप इसको तो डेफिनेटली करके जाने ही जाने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PYQs बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, मतलब PYQs से डायरेक्ट सेम के सेम क्वेश्चन उठाए गए हैं नीट 2022 में भी, मतलब 1988-89 तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
इसलिए पास्ट 35 ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत मैंडेटरी है, बहुत बिल्कुल। सो आई थिंक काफी क्रिस्प मैनर में और काफी डिटेल्ड मैनर में, दोनों चीजें साथ में बोलूंगा, तुमने सब कुछ कवर किया हुआ है। एंड जो भी बच्चा अच्छा स्कोर करना चाहता है फ्रॉम द जीरो प्रिपरेशन, वो इसको देखकर एक्चुअली प्रिपेयर कर सकता है और अपने मोटिवेशन के साथ जो है नीट को फोड़ सकता है। थैंक यू सो मच वैभव फॉर कमिंग टू दिस चैनल एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनो और बहुत सारे मरीजों की तुम मदद कर सको। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। अगर चैनल अच्छा लगा तो ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के साथ हम लोग आगे आते रहेंगे। लाइक करके उत्साह बढ़ाओ और सब्सक्राइब करो चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। कमेंट द नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक का नाम, अगर उस पर अच्छे खासे लाइक्स आएंगे तो हम लोग उसी वीडियो पे जो है वो वापस से हम लोग बनाएंगे। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।